जैसे ठीक समय पर अपना सत्र शुरू हुआ है, इसलिए ठीक समय पर ये पूरा भी हो, इसलिए मैं अपनी बात थोड़ा सा जल्दी में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे जिम्मे लगा है कि अभी तक जो काम हुआ है उसको आपके साथ थोड़ा शेयर करना, और आज के इस जो वर्कशॉप का जो बैकग्राउंड है वो हम लोगों के ध्यान में आए। आज ये सेशन को पुनिया जी के साथ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ की टीम यूजीसी में जगदीश जी से मिली थी, फिर उसके बाद यूजीसी की टीम एआईसीटी में 8 अप्रैल को आई थी। उसी के फॉलोअप में आज की ये अपनी वर्कशॉप है कि कैसे इकट्ठे मिलकर के क्या काम करने की बात है। जो अर्जेंसी ध्यान में आई है कि देश में जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये एक विषय है, और जो महत्वपूर्ण बात है कि जो पिछले कई वर्षों से जो कुछ हमारे परिवारों में हो रहा है, जो समाज में हो रहा है, उस दृष्टि से पूरे समाज परिवर्तन की जो आवश्यकता हर स्तर पर ध्यान में आती है, तो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए उसकी अर्जेंसी और उसकी इम्पोर्टेंस ये मन में आती है। उसी को ध्यान में करके आज का ये प्रयास किया जा रहा है। ये जो परिवर्तन है, जो समाज में जैसा अपेक्षित परिवर्तन चाहते हैं, वो हालांकि हर स्तर पर चाहिए, पॉलिसी मेकर्स के स्तर पर भी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स में भी चाहिए, पेरेंट्स में भी चाहिए, बाकी सब जगह पर भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में चाहिए। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उसको लाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका जो है वो शिक्षा की है। और जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, उसके पहले पृष्ठ के पहले पैरा की जो पहली पंक्ति है वो है, एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग 3 थिंग्स, फुल ह्यूमन पोटेंशियल, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी, समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज, और प्रमोटिंग नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्र का विकास। एजुकेशन से ये अपेक्षाएं हैं समाज की, ये अपेक्षाएं हैं देश की। उसको अगर पूरा करना है तो ये जो परिवर्तन है इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो पहला है कि इस सारे के पीछे जो दृष्टि है, वो जो वर्ल्ड व्यू है, वो जो विजन है, वो अगर सही नहीं होगा तो आगे की सारी चीज़ें जो हैं वो बिगड़ती जाती हैं। उस दृष्टि के बारे में ध्यान करना कि वो दृष्टि सर्वांगीण है या नहीं है, वो दृष्टि मानवीय है कि नहीं है, और सर्वांगीण और मानवीय दृष्टि होती क्या है, इसकी चर्चा जब तक क्लास में शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में नहीं होगी तो फिर आगे के सब विषयों की जो दिशा है वो ठीक नहीं हो पाएगी। और इसको करने के लिए कि ये सर्वांगीण हो, ये मूल्य आधारित हो, उसके लिए 3 स्टेप्स की बात हम लोग सोचते हैं। पहला ये कि वैल्यू एजुकेशन की मूल्य होते क्या हैं, इसको एक विषय के रूप में क्लास के अंदर चर्चा हो सके, तो उसको जैसा बताया अनिल जी ने कि पहले एक अपना मैंडेटरी कोर्स से पहले इलेक्टिव कोर्स के रूप में एक एडिशनल सब्जेक्ट को एग्जिस्टिंग करिकुलम के अंदर जोड़ना। ये जो मानवीय संस्कृति है, जैसा समाज हम चाहते हैं, उसके बारे में एक अध्ययन होना, और फिर अपनी पूरी शिक्षा सारे विषयों में जो एक मानवीयता चाहिए, वेलबींग ऑफ ऑल, उसके कोर में आए, ये दूसरा स्टेप होगा। कि फिर बाकी विषयों की कि हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसी होगी, हमारी साइकोलॉजी कैसी होगी, हमारी इकोनॉमिक्स कैसी होगी, हमारी मेडिकल साइंस, लीगल एजुकेशन, ये कैसा होगा। और फिर तीसरे स्टेप में वैल्यू बेस्ड लिविंग, कि हमारा आचरण, डे टू डे लिविंग जो है वो मूल्य आधारित हो। तो उस दिशा तक पहुंचने के लिए शुरुआत का जो पहला स्टेप है वो वैल्यू एजुकेशन सोचा गया। और आज की वर्कशॉप में, एक दिन की वर्कशॉप में ये सब बातें नहीं हो सकती हैं, जैसा अनिल जी ने बताया कि शिक्षकों के साथ पूरे 5 दिन की चर्चा होती है। आज केवल कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार की सर्वांगीण मूल्य आधारित शिक्षा हो सकती है, इट्स अ डूएबल थिंग, ये बात अपने ध्यान में आए, और स्पेसिफिकली उसका कंटेंट क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। तो कंटेंट किस प्रकार से वो सर्वांगीण है और मानवीय है और वैश्विक दृष्टि है,
और उसको आगे ले जाने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए किस प्रकार से, जो बात अनिल जी ने कही कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन, स्वयं में चिंतन व्यक्ति करे, स्वयं में देखे, स्वयं के अधिकार पर उसे स्वीकार करे, उसकी नेचुरल एक्सेप्टेंस हो। और इसकी शुरुआत जैसा प्रोफेसर आर आर गौड़ जी का नाम लिया तो मुझे ध्यान में है कि 1982 में पहली बार 1982 में प्रोफेसर गौड़ ने एक कोर्स ऑफर किया था, साइंस एंड ह्यूमनिज्म। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने जब पीएचडी ज्वाइन की तो एज ए प्री पीएचडी कोर्स उसके फर्स्ट बैच में मैंने गौड़ साहब के साथ वो एसोसिएशन शुरू हुई। और उसके बाद उन्होंने एक अनथक प्रयास किया कि एकेडमिक्स में कैसे इस वैल्यू एजुकेशन को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले 17 वर्षों में उस सारे प्रयास के जो परिणाम जो प्रारंभ हुए, उसके प्रयोग शुरू हुए, जैसा बताया अनिल जी ने कि IIIT हैदराबाद में प्रोफेसर राजीव संगल जी के प्रयास से 2005 में वहाँ एक कोर्स ऑफर किया गया, जिससे ये ध्यान में आया कि येस इट कैन बी टॉट, अन्यथा ये विषय रहता है कि वैल्यूज़ कैन नॉट बी टॉट, वैल्यूज़ आर कॉट, ऐसा करके, तो नहीं ये पढ़ाया भी जा सकता है, इसकी चर्चा भी हो सकती है। 2009 में सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी ने, AKTU जो उस समय पर UP टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी, उसने प्रारंभ किया। वहाँ उस समय पर IIT दिल्ली के ही प्रोफेसर प्रेमव्रत जी वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। मुझे 2010 में पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मौका मिला उसको सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में लागू करने का। और 2014 में हम लोगों ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसमें हमने कोशिश की थी कि सार कंट्रीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं वो आएँ, तो पाकिस्तान की 6 यूनिवर्सिटियों से 4 वाइस चांसलर्स, 1 डीन, 1 रजिस्ट्रार आए थे। और उन्होंने ज़्यादा सब सारा विषय सुना, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे यहाँ भी हो सकता है, इस तरीके से तो हम भी अपने स्टूडेंट्स के साथ बात कर सकते हैं। और ना केवल उन्होंने स्वीकार किया, उसके बाद अपने टीचर्स को हमारे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 2-3 फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में भेजा उस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो विषय को, तो इसके दोनों चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है, कंटेंट भी महत्वपूर्ण है और उसकी प्रोसेस भी महत्वपूर्ण है। और बाद में आज की 2017 तक 40 यूनिवर्सिटीज़ में कि एकेडमिक करिकुलम में ये लागू हो चुका था। आज AICT के प्रयास से 10,000 प्रोफेशनल कॉलेजेस में ये करिकुलम का हिस्सा है और बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट्स इसके रहे हैं। पॉसिबिलिटी अब क्या हो सकती है UGC के साथ, ये आज की वर्कशॉप के बाद आगे की बैठकों में हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि देश के जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है उसमें इसको बढ़ाया जा सके। ये आज की वर्कशॉप का उद्देश्य है। इनागुरल सेशन के बाद कंटेंट के बारे में 1.5 घंटे का सेशन 10 बजे से हम लोग गणेश बागड़िया जी के साथ करेंगे। गणेश जी IIT कानपुर के एलुमनाई है, बाद में IIT कानपुर से ही पढ़ाई पूरी करने के बाद HBTI में प्रोफेसर है, अब प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने के बाद फुल टाइम इस काम में लगे हैं। इस विषय की जो टेक्स्ट बुक है उसके आप मेन ऑथर हैं, गौड़ साहब फर्स्ट ऑथर थे, सेकेंड ऑथर, ये टेक्स्ट बुक है इसकी पूरी, और ये उसका टीचर मैनुअल है। अब इसका सेकेंड एडिशन भी आ चुका है। तीसरे सेशन में विशेष रूप से किस प्रकार से हमारे स्वयं में, हमारे परिवारों में हारमोनी की बात, वो अपने साथ ये जैसा मैंने कहा कि विजन की बात गणेश जी करेंगे, और भानु प्रताप जी जो UP टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, वहाँ ये सबसे पुराना कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ वैल्यू एजुकेशन सेल को हेड कर रहे हैं, वो ह्यूमन वैल्यूज़ एमर्जिंग आउट ऑफ वर्ल्ड विजन अबव इन पर्टिकुलर अबाउट द रिलेशनशिप, हमारे आपस के संबंध, वो परिवार में, वर्क प्लेस में, समाज में, उनके बारे में भानु जी चर्चा करेंगे। भोजन के बाद जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स देश में हुए हैं, जैसे मध्य प्रदेश से भी लोग आए हैं, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हुए हैं, उसकी चर्चा हम लोग आपस में करेंगे। और पाँचवें सेशन में आप सबकी सहभागिता की आवश्यकता होगी कि आपका क्या फीडबैक है, क्या कमिटमेंट्स हैं, और उसके बाद फिर हम उसको चेकआउट करेंगे कि इकट्ठे मिलके कैसे चल सकते हैं। तो शाम को 5:30 बजे तक आज का कार्यक्रम रहेगा। जैसा मैंने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये जो 3 अपेक्षाएं कही गई हैं, पहले पृष्ठ पर, पहले पैरा में, पहली पंक्ति में ये अपेक्षाएं रखी गई हैं, तो इनको जब, इन अपेक्षाओं को हम ध्यान से देखते हैं, तो अपेक्षा की गई है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, यानी केवल वो अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करने लायक नहीं हो,
तो उसके चेतना के स्तर पर भी जो आवश्यकताएं हैं उसकी जो सुख और समृद्धि दोनों विशेष आवश्यकताएं हैं और वो निरंतरता में हैं। आज मुझे कुछ मिला, 2 घंटे मिला 4 घंटे मिला ऐसा नहीं, मैं निरंतरता में सुख समृद्धि को कैसे अनुभव कर सकता हूँ जीवन में, ये फुल ह्यूमन पोटेंशियल की बात हम समझते हैं। और जब अपेक्षा की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कि हमारी शिक्षा से समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की रचना हो, तो उसको 4 हिस्सों में देखते हैं कि हर व्यक्ति में इस प्रकार की शिक्षा हो कि राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग फॉर हैप्पीनेस, कि सुख है क्या, और ये हर इंडिविजुअल में चाहिए और उसके लिए शिक्षा चाहिए, और हर इस हैप्पीनेस के लिए जो कंडीशंस ऑफ हैप्पीनेस की बात है कि हर परिवार में समृद्धि हो, एक आत्मविश्वास हो कि हम अपने परिश्रम से अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, प्रकृति में इस प्रकार के साधन हैं, इस प्रकार की हमारे में स्किल्स है, इस प्रकार की प्रतिभा है, और समाज में आपस में विश्वास का भाव हो, अभय का भाव हो, निडरता की बात हो, मैं भय में या प्रलोभन में ना जीऊं, और तीसरा प्रकृति के साथ एक को एग्जिस्टेंस की बात हो, सह अस्तित्व की बात हो, एक दूसरे के साथ पूरकता का भाव हो, इससे जो समाज बनेगा वो इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी की बात है। और जब नेशनल डेवलपमेंट की बात आती है तो एक ऐसा देश जो स्वयं में हारमोनी में है, जो स्वयं में व्यवस्थित है और जो दूसरों को व्यवस्था में रहने में सहयोग कर सकता है, वो ना केवल मध्य में है, ना इधर है ना उधर है, बल्कि उन दोनों को शांत करने में, उन दोनों को संभालने में व्यवस्थित हो, तब अपना देश विकसित राष्ट्र कहने की बात है, जिसको विश्व गुरु की बात हम लोग जानते हैं अपनी परंपरा में। तो ऐसे कॉम्पिटेंट लोगों को तैयार करने ये एजुकेशन से एक्सपेक्टेशन है। और हम जानते हैं कि मानवीय शिक्षा से मानवीय दृष्टि ये विकसित होती है, सही शिक्षा होगी तो सही दृष्टि बनेगी, सही विजन होगी, सही विजन होगी तो फिर मेरी पार्टिसिपेशन क्या है लार्जर ऑर्डर में, और मेरा क्या मूल्य है उसमें, मेरी क्या सहभागिता है और मेरे लिए क्या मूल्यवान है, उस सही विश्व दर्शन से मानवीय मूल्य ध्यान में आते हैं, और इन मालवीय मूल्यों के आधार के ऊपर फिर मेरे अंदर वो जो एथिकल रीजनिंग, जिसकी अपेक्षा अलग अलग जगह के ऊपर शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट में है, वो जो नीति कि भाई क्या, जब मेरी वो एनालिटिकल स्किल्स की बात आती है तो वो जो बेसिस होता है वो मेरी विजन और वैल्यूज होती हैं और उसकी बात होती है, और फिर उसके आधार पर मेरी एथिकल रीजनिंग के बाद मेरा जो बाहर में बिहेवियर और डूइंग मेरी है और वो मानवीय आचरण जो है वो ध्यान में आता है। ये सब बातें होती हैं तो हम कहते हैं फुल ह्यूमन पर्सनैलिटी है। और फिर ये सारी चीज़ों को हम जब एक्सप्रेस करते हैं हर स्तर पर, गांव के स्तर पर, ब्लॉक, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तो हर स्तर के ऊपर समतापूर्ण और न्यायपूर्ण समाज की बात होती है, और ऐसे समाज के आधार के ऊपर फिर हम अपना देश डेवलप्ड नेशन या विश्व गुरु जिसको कहा जा सकता है, जो स्वयं में व्यवस्थित है और दूसरों को व्यवस्थित करने में सहयोग कर सकता है, इस लक्ष्य के साथ इस काम को करने की एक कमिटमेंट। आज की जो स्थिति हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जोर थोड़ा सा विचार पर, रीजनिंग पर तो हो जाता है, स्किल्स पर बहुत ज़्यादा जोर हो जाता है, लेकिन ये एक क्रूशियल मिसिंग लिंक है कि विजन क्या है, हम दुनिया को देखते किस दृष्टि से हैं, और उस दृष्टि से जब देखते हैं तो हमारे लिए क्या मूल्यवान है, सैलरी पैकेज मूल्यवान है या परिवार में स्नेह प्रेम, परिवार के अंदर की व्यवस्थाएं ठीक हैं, वो सैलरी पैकेज मूल्यवान है, वो प्रॉफिट मूल्यवान है, या प्रकृति का शोषण ना हो, प्रकृति में पर्यावरण की संभाल हो, तो ये जो विजन और वैल्यूज हैं, ये जो सहभागिता है, इसकी चर्चा मिसिंग है, उसको होने के कारण से हमारी रीजनिंग, हमारा कंडक्ट, हमारी सोसाइटी, हमारा देश की सारी दिशा पर क्वेश्चन मार्क आता है। और इसको पूरा करने के लिए जो प्रयास AICT पिछले 4 वर्ष से कर रही है, एक ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ का एक कोर कंपोनेंट अपने स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में, और फिर बाद में 3 क्रेडिट का पूरा UHV का कोर्स, कहीं पर फर्स्ट ईयर में, कहीं पर 3rd-4th semester में, ऐसी वैल्यूज़ जो यूनिवर्सल हैं, जिसकी आवश्यकता केवल भारत में, केवल तमिलनाडु में, कश्मीर में, आसाम में, गुजरात में नहीं, तो वो ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, सब जगह पर वैसी ही आवश्यक हैं, और उनको उस तरीके के साथ विद्यार्थियों के साथ चर्चा की जा सकती है, वो रैशनल हैं,
दे कैन बी अंडरस्टूड एंड दे कैन बी डिस्कस्ड, इनको समझा जा सकता है, इसको समझाया जा सकता है और रैशनल के साथ साथ वेरीफाइएबल हैं कि अगर हम उसके अनुसार अपने जीवन में अनुभव करते हैं तो हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त करते हैं, हम जो चाहते हैं वैसा कर पाते हैं एंड देन लीडिंग टू हार्मनी एट ऑल लेवल्स, इट इज़ विद इन अवर सेल्फ। अपनी जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन फैमिली, कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन सोसाइटी, एट वर्क प्लेस, इन सब के बारे में उसकी चर्चा होती है। थोड़ी सी विस्तार से चर्चा अगले सेशन में करेंगे। फिर अपनी परंपरा में, अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम में इसके कैसे उदाहरण हैं, हजारों सालों में कैसे उस दिशा में अपने देश में काम हुआ है, विकास हुआ है, उसकी केस स्टडीज़ की चर्चा स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में विद्यार्थियों के साथ होती है। और फिर उसके आधार पर जब विजन और वैल्यूज़ क्लियर होती हैं तो वैल्यू गाइडेड स्किल्स की बात आती है कि ऐसी कौन सी वर्ल्ड क्लास स्किल्स मेरे में होनी चाहिए कि जो नेचर फ्रेंडली और ह्यूमन फ्रेंडली हों, जिनको मुझे समझना है, जिसका जिसको अध्ययन करना है और जिनकी प्रैक्टिस करनी है, जिनका अभ्यास करना है। तो ये तीन विषय स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम में करते हैं और फिर इसके आधार पर हम सोचते हैं कि एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को हम पूरा कर सकते हैं। एक पूरा डॉक्यूमेंट AICT ने अभी बनाया है, इसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो ऑनलाइन आप प्राप्त कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि अगले दिनों में इसको थोड़ा देखते हुए आप अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक आप अगर देंगे तो इसको ठीक तरीके से आगे बढ़ाने में। तो मैंने समय की कमी के कारण से बहुत ब्रीफली आपके साथ शेयर किया है, विस्तार से आपको इन डॉक्यूमेंट्स में ये प्राप्त होगा। तो ये आज हम जो है मुख्य रूप से यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ वाला जो कंपोनेंट है उसी पर फोकस करेंगे। आगे के स्टेप्स के लिए आज समय नहीं है, आगे जब समय मिलेगा तो हम इसके बारे में करेंगे। इतनी बात कह के मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।